अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे। इनके साथ खाने में बैठते हैं, उधर ही छेद करते हैं, ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने सुना है, हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है, ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको ही खत्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं, ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर, लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे।